डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है चैप्टर नंबर 13, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। बहुत ही अच्छा काम आने वाला, साइंस में तो बहुत काम आने वाला है। अभी बहुत बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा। चलो, तो सीधा समानुपात जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जरा आगे जरा ध्यान देना, इसको कहते हैं, देखो क्या लिखा है, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसको कहते हैं वापस अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। कभी आपको जब पढ़ाया जाएगा ऐसा कभी लिखा जाएगा x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, ये निशान भी समझ लो। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब ये है कि जितना x बढ़ता जाएगा उतना y भी बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसा है, ठीक है। कभी एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये कह रहा है कि मोहन जो है अपने लिए चाय बना रहा है। 300 ml उसका पानी है, 2 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच चाय की पत्ती है, 500 ml दूध है। अभी वो मोहन अपने और बहन के लिए बना रहा है। 5 जनों के लिए चाय बनानी है तो क्या करोगे? बढ़ाना पड़ेगा ना सब कुछ, शक्कर भी बढ़ानी पड़ेगी, चाय की पत्ती भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? जितनी एक जने के चाहिए उसको 5 से गुणा कर दो। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। कुर्सियां, अगर 2 विद्यार्थी किसी क्लास में कुर्सियां लगाने का समय लेते हैं 20 मिनट, तो 5 विद्यार्थी लगा दोगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, यदि खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका कुल मूल्य भी बढ़ता है। बैंक में जितना पैसा जमा कराओगे उतना ही ब्याज मिलेगा। जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा दूरी, जो तय की गई दूरी का जो समय है वो कम होता जाता है। दूरी कम करने समय में कमी होती है। ये रिवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन है, आगे आएगा, ये भी आएगा। चलो, तो सीधा समानुपात की बात कर रहे हैं। 1 किलो चीनी का मूल्य 18 रुपए है, तो 3 किलो का कितना होगा? 18 रुपया 54। 5 किलो का कितना होगा? 18 × 5 = 80 कितना है? और 8 किलो का कितना होगा? 18 × 8। तो ये तो दूसरी एक बात हुई, ये चीनी के भाव की बात हुई। कोई आदमी पेट्रोल का एग्जाम्पल देता है कि आजकल है ना, एक कार 60 किलोमीटर को दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल खाती है, ठीक है। 60 किलोमीटर 4 लीटर, तो बताओ। अब यहां खाली स्थान लिखा हुआ है, हाँ बच्चों बताते जाओ। यहां पर अगर 8 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी चलेगी? 4 × 8 तो 60 × 120। अच्छा, 4 × 12 अगर लीटर हो तो 60 × 3 = 180। ओके, और 15 हो तो कैसे निकालते हैं? तो इसका क्या करते हैं, तरीका क्या है बच्चों, कैसे निकालेंगे इसको? तरीका क्या है? तरीका ये है, इसका फॉर्मूला कर दो, 4/60 बनाओ पहले। तो 4/60 को जरा काट दो तो ये हो जाएगा 1/12, है बच्चों। अब मान लिया यहां पर मेरे 15 लिखा हुआ, ये वाला 15, ये वाला 15, तो ऊपर अगर 15 है तो नीचे 12 × 15 कर दो, कितना होता है? 12 × 15 निकालो, तो ये हो जाएगा
225, फिर 1/12 के हिसाब से जरा देखो, तो यहाँ ऊपर 20 है तो नीचे भी 60 को 20 से गुणा कर दो तो 300, ऊपर 25 है नीचे 60 को 25 से गुणा कर दो, सॉरी 12 को 25 से, 1/12 है ना, तो ऊपर मान लिया 25 है तो नीचे भी 12 गुणा 25 करो तो ये हो जाएगा 375। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक अनुपात फिक्स होता है, फिक्स, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीधा समानुपात। अब जरा अपन कुछ काम की बात समझने वाले हैं, सभी बच्चे रेडी हो जाओ। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई, शांति से समझना और यह चीज समझ में आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई मतलब एक्स जितना बढ़ेगा उतना वाई बढ़ेगा, जितनी गाड़ी तेज चलाओगे उतना समय कम लगेगा, जितना ज्यादा शक्कर खरीदोगे उतना पैसा लगेगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, जितना ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, कुछ भी। एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई, क्लियर? ये निशान पता है, ये निशान है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का निशान है, अनुक्रमानुपाती, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। अभी एक और आएगा व्युत्क्रमानुपाती, अभी आएगा, अभी अपन पढ़ रहे हैं अनुक्रमानुपाती। जब ये अनुक्रमानुपाती है तो बराबर का निशान लगाना और के लगाना और वाई करना। के क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, स्थिर राशि है, हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। अब ये स्थिर है इसका मतलब फिक्स है, फिक्स है मतलब के बराबर एक्स अपॉन वाई, यहां तक गाड़ी क्लियर? इसका मतलब एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू कर सकते हैं, कोई भी एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। अभी अपन सवाल करने वाले हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन किया है, ये सब, ये क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, और अपना फिक्स क्या है, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई अपना फिक्स है, एक्स अपॉन वाई अपना फिक्स है, 4/60 बराबर 1/12, बस जितने भी फॉर्मूले लगाओ 1:12 चलते जाओ। अभी अभी मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल यहां 8 है तो यहां 8 और यहां 12 × 8 कितना होता है बताओ, 8/4/60 ये हो रहा है 1/ कितना हो रहा है, जरा देखो इसको, दैट इज 15, ओ सॉरी सॉरी गलती हुई मुझसे, 4/60 जो है दैट इज 1/15, और ऊपर भी 8 है तो नीचे भी 15 × 8 होना चाहिए, तो 15 × 8 कितना होता है 120। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 चलते जाओ। बहुत अच्छा, अब जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 मैंने लिख दिया, तो जरा कैंची गुणा कर लें, कर लें, तो ये हो जाएगा x1y2 इज इक्वल टू x2y1, याद कर लेना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये चीज, या इतनी सी चीज में थोड़ा दिमाग लगाना, ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीज बुक में लिखी है, आ जाओ मैं बुक में बताता हूं। कम x/y इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू के वाई, मैंने यहां पर इसकी जगह ये लिखा था, सब बच्चे याद कर लें, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y और x इज इक्वल टू के वाई मैंने लिखा था, बुक में एक एक लाइन ध्यान से समझ लो।
हम कहते हैं एक्स और वाई में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अथवा वे अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आगे एक और लाइन आने वाली है जिसका नाम होगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना एक चीज को बढ़ाओगे उतनी दूसरी चीज घटेगी। अभी एक और पढ़ने वाले हैं अपन, उसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने कुछ ये फॉर्मूला बताया था, एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। जब मैंने ये बताया था तो इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं बच्चों, एक्स वन वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू वाई वन। ओके, और अगर समानुपात के फॉर्मूले में लिखना हो तो लिखेंगे x1 अनुपात y1 समानुपात x2 अनुपात y2। ये और बच्चे याद कर लें, इतना सा याद कर लें बस, ठीक है। छोटा सा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो सभी बच्चे, कोई घड़ी है, बड़ी वाली सुई 12 पे है। अगर वो जो है 15 मिनट, थोड़ी 12 अभी जीरो है, जीरो से वो इधर जा रही है, 15 मिनट जा रही है, थोड़ी मुड़ी है तो डिग्री है 90 डिग्री। फिर घड़ी पूरी घूम गई तो 30 मिनट लगा, लेकिन 180 डिग्री हो गया। फिर घूमी 45 मिनट आया तो 270 डिग्री। पूरा चक्कर मार लेगी तो 360। ये तो आता है कि नहीं आता है, कि भूल गए? सबको आता है कि नहीं आता है? मान लिया ये घड़ी है, सबको आता है ना, ये घड़ी है और ये उसका कांटा है। अगर यहां आएगा तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहां आएगा तो 180 हुआ कि नहीं हुआ? और यहां आ जाएगा तो ये कोण है 270 होगा कि नहीं होगा? और जब पूरा चक्कर मार लेगा तो वो हो जाता है 360 डिग्री। तो ठीक है, सबको आता है, तो ये आपको आता है। ये तो हमने निकाल लिया। अभी जरा x अपॉन y कांस्टेंट है कि नहीं जरा चेक करो बच्चों, करो। 1/6 आ रहा है, 15/90, ओके ओके, वेरी गुड। ये 30/180 जरा निकालो, कितना आ रहा है बच्चों? 1/6 आ रहा है क्या? ओके, कांस्टेंट आ रहा है। 45/270 जरा करके देखो, आ रहा है क्या? और 60/360 जरा करके देखो, आ रहा है क्या? इसका मतलब x अपॉन y इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने ये देखा। कुछ एक और एग्जांपल दिया है, कोई मित्र की आयु का मामला है, वर्तमान आयु मान लेते हैं 20 है, माँ की आयु मान लेते हैं 50 है, 5 वर्ष पहले 15 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगी, 5 पर मम्मी की आयु इतनी, दोनों का रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये आयु वाले मामले में जरूरी नहीं है रेशियो फिक्स रहे। तो ये वाला एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जरूरी नहीं हो। मानवों में भौतिक परिवर्तन होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि अपने हाथ जितने लंबे उतने ही वो पैर लंबे हो। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। व्यक्तियों के भार और लंबाई में परिवर्तन का कोई अनुपात फिक्स नहीं है। पेड़ की ऊंचाई उसकी शाखाओं में उगने वाली पत्तियों की संख्या का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए जरा ये भी करके देखते हैं।
निम्न सारणियों को देखो, ज्ञात करो कि वो क्या अनुक्रमानुपाती है क्या। तो सिंपल टेस्ट क्या करोगे अनुक्रमानुपाती टेस्ट करने के लिए, एक्स अपॉन वाई बराबर अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो अनुक्रमानुपाती है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। 20 अपॉन 40 क्या आएगा, 1/2, 17/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये अनुक्रमानुपाती है। दूसरा वाला ले लो जरा, 6/4, 3/2, 5/10/8 हो जाएगा, 5/4 ये हो जाएगा, 7/6, तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं है। तीसरा ले लो, 5/15, 1/3, 8/24, 12/36, 15/64, गड़बड़, 20/5, 100, तो ये भी अनुक्रमानुपाती नहीं है। अगला सवाल आता है, मूलधन मान लिया 1000 रुपए, ब्याज 8% है, तो देखो जरा ये साधारण ब्याज का निकालो, निकाल के बताओ कि कोई ये अनुपात में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, निकाल लो ब्याज, निकाल लो, चेक करो। चेक कर लो, सिंपल ब्याज का फॉर्मूला लगा लो। साधारण ब्याज 1000 रुपए पे 8% के हिसाब से एक साल में होता है 80 रुपए, निकाल लो, 2 साल में हो जाएगा 160, 3 साल में हो जाएगा, एक रेशियो में बदल तो रहा है। चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा अलग चलता है, पहले साल में तो फिक्स 80 रुपए है, दूसरे साल में है इसका 166.4, तीसरे साल में 259.7, तो इसका कोई रेशियो आपस में फिक्स नहीं है। साधारण ब्याज तो जो है प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ऐसा नहीं होता है। यस, अब हम करने वाले हैं उदाहरण और उसके बाद प्रश्नावली। उदाहरण नंबर एक, एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है, तो इस प्रकार के 2, 4, 10, 13 मीटर के कपड़ों का मूल्य निकालो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, चाहे तो ये सारणी बना लो, ये 5/210 निकाल लो चाहे तो, एक तरीका है। लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम तो लगा देंगे ये वाला, x1/y1 = x2/y2। मान लिया आपको निकालना है 5/210 बराबर, अगर 2 किलो के निकालना है तो 2 किलो / y2 करो, कैची गुणा। कैची गुणा करना आता है कि नहीं आता है? (5/210 = 2/y2) निकालो, तो y2 यहां केजी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5y2 बराबर 210 × 2, y2 बराबर 210 × 2/5, काट दो इसको, इससे 5 × 20, 1 बचा, 5 × 2, 10, उत्तर आया 84। y2 कितना आया, y2 कितना आया, y2 आया 84।
कौन सा फॉर्मूला लगाया? एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। अब कुछ भी निकाल सकते हो, 10 के लिए निकालें, 5 अपॉन 210 बराबर 10 अपॉन वाई फोर, निकाल लो वाई फोर क्या आएगा, निकालो वाई फोर आएगा 420। तो इस वाले फॉर्मूले से सारणी बनाकर, पहले सारणी बनाओगे फिर सारणी में इसको लिख दोगे। एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। बच्चों देखो, कभी भी क्या होता है, कोई चीज अपन सीखते ना तो डाउट लगता है कि पता नहीं क्या है, तो डू द प्रॉब्लम्स। इसका तरीका क्या है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओ, करते एग्जाम्पल नंबर दो करते। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो अपन ने किया क्या, एक सारणी बना ली, ये तो अपन लिख दिया वस्तु की ऊंचाई, अगर 14 है तो छाया 10 है, छाया 15 है तो मान लेते हैं ऊंचाई x है। अपन को फार्मूला मालूम है, 14 बटा 10 बराबर x बटा 15, बस निकाल लो। तो x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 15 बटा 10। अच्छा ये निकालना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम निकाल तो लोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे, कैंची गुणा है, 14 गुणा 15 बराबर 10 गुणा एक्स, ये तो आता है कैंची गुणा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणा 15 बटा 10, तो ये उत्तर आ जाएगा 21। एग्जाम में जब आप करोगे ना तो पूरा लैंग्वेज लिखना बच्चों, हाँ ऐसे फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिखना। ये सारी स्टेप्स लिखना। ठीक है, एक बात और इसमें बताइए, ये दो एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू लिखा है, जो तो आपको याद हो गया, लेकिन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना बच्चों, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, लिख सकते नहीं लिख सकते? एक्स वन, वापस जरा देखो शांति से, एक एक चीज बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू, अपन को बताया था, क्योंकि अपन को यह बताया था एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है। इस वाले फॉर्मूले में अगर अपन कैंची गुणा करेंगे ना बच्चों, तो एक्स वन वाई टू बराबर एक्स टू वाई वन आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू लिख सकता हूं ना। इसका मतलब कभी कभी समान राशि हो ना बच्चों, जैसे यहां पर क्या है बच्चों, समान राशि मान लिया 14 बटा एक्स बराबर 10 बटा 15 भी मैं करूं तो मेरा उत्तर आना चाहिए 14 बटा एक्स। वस्तु की लंबाई को मैं एक तरफ एक्स मान सकता हूं और छाया को भी एक तरफ मान सकता हूं, शेडोस। तो ये मैंने यहां पर वापस से सब बच्चे एक बार देख लें शांति से, ये एक्स वन अपॉन दिस, और इसको मैंने वैकल्पिक रूप से ऐसे लिखा। सारे बच्चे शांति से इसको समझ लें और अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। एग्जाम्पल करेंगे 3, मोटे कागज की 12 शीटों का भार
40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज की शीटों का भार, कितने कागज की शीट, कितनी शीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। यहां पर x अपॉन y बराबर है, मान लिया 12/40, और ये हो जाएगा मान लिया x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू, अपन मान लेते हैं x2 अपॉन y2। तो x2 अपने पास है, x क्या शीटें, तो शीटें हो जाएगी x2 है ये, y2 अपने को दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम को अपन जरा ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 2500 हो गया। फॉर्मूला क्या आया, 12/40/x/2500, बस ये फॉर्मूला, यहां तक आ जाओ, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कभी उल्टा पुल्टा मत कर देना, एक तरफ ग्राम एक तरफ किलोग्राम, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। इस फॉर्मूले में समझ लो बस, एक्स अपॉन वाई, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, बस क्वेश्चन को अगर डाउट लगे तो दो बार करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन दो बार करो और समझ समझ के आगे चलो। वैकल्पिक विधि क्या कह रहा है, के निकाल दिया, ये भी तरीका है, के निकाल दिया उसको डायरेक्ट उससे 2500 से गुणा कर दो, एक ही बात है, कर सकते, इट्स ए मैथमेटिक्स। एक्स इज इक्वल टू के वाई, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, तो उधर x2 अपॉन y2, x2 दिया हुआ है तो हो जाएगा x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू भी के है, तो अपन को निकालना, मान लिया y2 निकालना है, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 अपॉन के। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स, इक्वेशंस के फॉर्मूले। उदाहरण नंबर 4 करेंगे, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 20 मिनट बाद कहां पहुंचेगी और 250 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बिना किताब की हेल्प लिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी अपनी रफ कॉपी में करेंगे, ये कर लोगे तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद प्रश्नावली 13.1 कराने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, अगर सारणी बनानी हो तो सबसे पहले आ जाएगा दूरी और यहां आ जाएगा समय, पहले दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, इसका मतलब 60 मिनट, दूसरे में 20 मिनट दे रखा है, वैल्यू निकालनी है, तीसरे में किलोमीटर दे रखा है और समय निकालना है। फटाफट करते जाओ, फटाफट। 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20, ओके बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू 20 अपॉन 60, जीरो से जीरो 3 बार, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पहले का आंसर आएगा। आया के नहीं आया, दूसरा वाला लिखोगे 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू 250 अपॉन वाई, तो इसको करोगे वाई 75 गुणा वाई बराबर 60 गुणा 250, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 250 डिवाइड बाई 75, तो इसको डायरेक्ट काट लो, ये हो जाएगा 10
ये हो जाएगा 3, ये काटेगा तो ये हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 200 मिनट्स। देखो आया कि नहीं आया, आ गया। इज इक्वल टू लिखा है 60 का डिवाइड करो, 200 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया, तो 3 आवर्स 3 घंटे और 20 मिनट, ये अपना समय आता है। क्वेश्चन समझ गो, समझे कि नहीं समझे, बहुत इजी है कि नहीं है, ये चीज कॉन्स्टेंट थी ना, बस इसको इसी फॉर्मूला लगाते जाओ, पहला ये फॉर्मूला लगाया, दूसरी बार ये फॉर्मूला लगाया। बस फिर कैंची गुणा, फिर तो जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहें।